Hello, Vichu. Let's read the question. Which of the following form or forms a virtual and erect image for all positions of the object? So, Vichu, हमें consider करनी है object की सभी positions. अब सभी positions में हम क्या मानेंगे? Suppose हम लोग एक optical instrument मान लेते हैं, convex lens draw कर लेते हैं like this, इस तरह से. और इसका ड्रॉ कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. अब ऑल पोजीशंस का मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर भी हो सकता है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी हो सकता है, फोकस पर भी हो सकता है, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में भी हो सकता है. इट मे प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड और एज वेल एज ऑन द राइट साइड, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो सकता है. बट इमेज की रिक्वायरमेंट है हमारे पास में कि इमेज शुड बी वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट. अब बच्चों अगर हम बात करेंगे लेंस में वर्चुअल इमेज की, तो लेफ्ट साइड में ऑप्टेन होगी हमें वर्चुअल इमेज. और अगर हम बात करेंगे मिरर, जैसे कि हमें सी ऑप्शन में गिवन है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का बेसिक एक्शन रिफ्लेक्शन है. तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर को जब हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसका प्रिंसिपल एक्सिस और इसके साथ साथ पोल बना लेंगे, तो इसमें जो अगर हमें इमेज लेफ्ट साइड में ऑप्टेन होती है दैट इज द रियल इमेज, बट इमेज अगर हमें राइट साइड में ऑप्टेन होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज बोलेंगे. सो अगर हम ये तीनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को एनालाइज करेंगे रे डायग्राम्स को, तो हमारे पास में दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं. फर्स्ट इज द कॉनकेव लेंस जो कि गिवन है हमें ऑप्शन नंबर बी में, एंड ऑप्शन सी में गिवन है हमें कॉन्वेक्स मिरर. ये इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से भी क्लियर हो जाते हैं कि दोनों ही हमेशा वर्चुअल एज वेल एज इरेक्ट इमेजेस बनाएंगे. सो हमारे पास में ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी करेक्ट आंसर्स हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट राइट आंसर इज ऑप्शन डी. थैंक यू.